हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दूध के साथ बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल पुलाव और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है जो कि आप घर में बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बासमती राइस। तो मैंने यहाँ पर 2 कप जैसा बासमती राइस ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छा से धो लेते हैं, कम से कम 2 से 3 बार इसे आपको धो लेना है। इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्का हाथ से इसको धो लेना है। ये चावल जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसे धोने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। जब भी आप पुलाव बनाते हैं ना तो थोड़ा सा भिगो के रख दीजिए, बहुत ही बढ़िया पुलाव बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 बड़े चम्मच घी। तो उसमें सबसे पहले मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पर कुछ खड़ी मसाला मैंने लिया है, दालचीनी, इलायची और तेज़पत्ता, लवंग और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है काली मिर्ची। और यहाँ पर हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने यहाँ पर लिया है, और इसे थोड़ा सा हल्का हम भून लेते हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का आपको भून लेना है इसे। और अभी हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और अभी हम डाल देंगे इसमें आलू। तो मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का आलू इस्तेमाल किया है, जो थोड़ा सा मैंने इसको छोटा छोटा काट के यूज किया है। तो सबसे पहले हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसके साथ ही भूनना है, क्योंकि आलू पकने में टाइम लगता है। तो अभी हमने गाजर भी डाल दिया है और इसके साथ ही हम भूनेंगे। और इसके साथ साथ मैं कुछ इसमें फ्रेंच बीन्स भी डाल देता हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरा वेजिटेबल है तो आप डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पर हमने डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमेटो हाइब्रिड वाला, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और ये सारे वेजिटेबल के साथ ही टमाटर को बढ़िया से मिक्स कर देना है, जैसा कि एक मसाला बनाते हैं ना वैसे ही हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा टमाटर बढ़िया सा मिक्स हो चुका है वेजिटेबल के साथ। तो अभी हम इसमें कुछ डाल देंगे पुदीना और हरा धनिया, तो इसके साथ ही हम डाल देंगे। थोड़ा सा आपको मिला देना है इसे। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसी कप में चावल लिया था, तो इसी कप में हम आज दूध डालेंगे। तो पक्का मेजरमेंट ये है कि 2 कप चावल के लिए आपको 4 कप दूध डालना है। अगर आप पानी में बनाते हो तो आप पानी भी दे सकते हैं 4 कप, मेजरमेंट वही है। लेकिन अगर फुल फैट क्रीम जो मिल्क आता है वो अगर आप यूज करते हो तो आधा पानी आधा मिल्क दे दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल जो मिल्क है ना वो यूज किया है। तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कप में मैंने चावल लिया था उसी कप में मैंने दूध ले लिया है। 2 कप चावल के लिए 4 कप दूध यहाँ पर मैंने ले लिया है, और हल्का से इसको मिला देना है। तो देखिए हमारा दूध बिल्कुल सेफ है। कभी कभी आप बोलेंगे टमाटो है तो दूध फट सकता है, बिल्कुल नहीं फटेगा। जब एक उबाल आ जाए तो उसके बाद आपने जो भीगो की चावल रखे थे ना, तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे और हल्का हाथ से आपको चला दे वह थोड़ा सा मिक्स कर देना है। और आखिरी में हम इसको ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ग्रीन मटर, तो यहाँ पर मैंने फ्रोजन वाला यूज किया है। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल हल्का हाथ से आपको इसको मिलाना है। और अभी हम 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसे पकाएंगे। और कभी कभी क्वांटिटी का ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा थोड़ा सा क्वांटिटी है इसलिए 5 से 7 मिनट के अंदर ये बढ़िया सा कुक हो जाता है। तो अभी देखिए इस बीच हम डाल देंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसलिए मैंने बीच में ही इसे डाल दिया है। और अभी फिर से हम ढक्कन लगा देंगे। तो आपको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाना है, यह बात ध्यान देना है। तो देखिए 5-7 मिनट हो चुका है, और बीच बीच में आप 1-2 बार इसे चला दीजिए। और देखिए हमारा यहाँ पर 5-7 मिनट हो चुका है, और इसे हम थोड़ा सा अभी हल्का हाथ से इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम फिर से इसे गैस का फ्लेम जो है ना एकदम लो रखेंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम इसे पकाएंगे ढक्कन लगा के। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है ना ऑफ कर देंगे, और 3-4 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। और हमारा जो ये पुलाव है ना एकदम खिला खिला से बनेगा, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही नरम बनेगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका क्वालिटी और कैसा बना है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही देखिए आप खिला खिला सा बना है हमारा ये पुलाव, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने के लिए। आप ज़रूर ये मेथड में एक बार ट्राई करके देखिए, सभी को ये जो रेसिपी ना बहुत ही पसंद आएगा, और ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। और ये जो पुलाव है ना ये बनने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही मतलब क्विक बन के तैयार हो जाता है। और ये जो पुलाव है ना ये सभी कैटेगरी का लोग खा सकते हैं, मतलब बच्चे से लेकर बड़े तक सभी ने बहुत ही पसंद करेंगे। और घर में कोई मेहमान आ जाए तो इसे बना के एक बार दीजिए, मतलब बहुत ही खुश हो जाएंगे, और ये बहुत ही तो जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ, कुछ लिया है मटर पनीर और रायता के साथ। जो मटर पनीर की सब्जी है ना, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इसके साथ। तो आप ज़रूर एक बार ये मटर पनीर रेसिपी भी ट्राई कीजिए।
ये बहुत ही टेस्टी मतलब बन के तैयार हुआ है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और इसे आप रायते के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज का रेसिपी के साथ हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगर रेसिपी अच्छा लगा तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।